दुमका जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर दुमका सिउरी मुख्य सड़क के किनारे शिकारीपारा थाना क्षेत्र के पत्ताबारी में लथ मशीन की आर में चलाए जा रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में पुलिस ने उक्त लथ मशीन दुकान में बुधवार को छापेमारी की तो वहां से करीब 2 दर्जन छोटे हथियार, कुछ अर्धनिर्मित हथियार व गन बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की गई। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लथ मशीन दुकान को सील कर दिया गया है। बुधवार शाम को वहां से गन बनाने से संबंधित मशीन को भी जब्त किया गया है। हथियार बनाने में प्रयुक्त मशीन को एक क्रेन की मदद से हाईवा में लोड कर थाना लाई गई। ग्रामीणों के अनुसार उक्त घर को किराया में गंधरकपुर के एक पहाड़िया व्यक्ति ने लिया है। उसी का एक रिश्तेदार जो बिहार के मुंगेर जिले का निवासी है, उसके दोस्त ने इंजन आदि मरम्मती के लिए उक्त लथ मशीन लगाकर अपनी दुकान करीब 6 माह पहले खोला था। उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित उक्त मिनी गन फैक्ट्री से विगत करीब 6 माह में निर्मित हथियार कहाँ कहाँ व किस किस को आपूर्ति की जा रही थी, इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने कहा कि पटना पुलिस की सूचना के आधार पर बुधवार को पत्ताबाड़ी में श्री राधे रिबोरिंग नामक लथ मशीन दुकान पर छापेमारी की गई। अरे शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस से गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि पत्ताबाड़ी में एक राधे रिबोरिंग करते हैं दुकान, जो लथ मशीन रखे हुए और बहुत सारा अपना जो लथ मशीन का काम होता है वो सारा काम करते थे और उसी के आड़ में वो कुछ हथियार अवैध तरीके से हथियार बनाने का भी काम करते थे। उसी सूचना के आधार पर हम लोग छापेमारी किए हैं और 3 लोगों को हिरासत में लिए हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। कितने हथियार पकड़े हैं सर अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ हथियार मिले हैं